तो गाइस आज मैं आप लोग को इंडियन बैकग्राउंड थ्री डी गेम के ओल्ड से लेकर न्यू तक सारे के सारे चिट कोड नंबर बताने वाला हूं। और साथ ही आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ ऐसे सीक्रेट चिट कोड नंबर भी बताने वाला हूं जो आप में से मैक्सिमम बंदों को पता नहीं है। आप में से काफी बंदों को अभी तक इस फार्मिंग ट्रैक्टर का चिट कोड पता नहीं है, तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही फार्मिंग ट्रैक्टर का भी चिट कोड बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग भी अपनी गेम में फार्मिंग ट्रैक्टर को स्पॉन कर पाओगे। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं अपनी गेम में फार्मिंग ट्रैक्टर को स्पॉन कर लिया है, और यह फार्मिंग ट्रैक्टर हमारे गेम में यार काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लेना, और आपने अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले यहां पर मैं आप लोग को इंडियन बैकग्राउंड थोड़ी गेम के अंदर ऐड होने वाले कुछ न्यू चिट कोड्स बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को मिनी ट्रैक्टर का चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस मिनी ट्रैक्टर का चिट कोड 9, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 9 चिट कोड एक्टिवेट करोगे तो आप लोग की गेम में मिनी ट्रैक्टर स्पॉन हो जाएगा, और ये मिनी ट्रैक्टर हमारे गेम में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। बाकी अभी मैं आप लोग को बफेलो का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस बफेलो का चिट कोड है 10, तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 10 चिट कोड एक्टिवेट करोगे तो आप लोग की गेम में अफ्रीकन बफेलो स्पॉन हो जाएगा। ये अफ्रीकन बफेलो भाई हमारे गेम में यार काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बाकी अभी मैं आप लोग को बस का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस बस का चिट कोड है 5599, आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 5599 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में न्यू बस स्पॉन हो जाएगी। और इस न्यू बस के साथ साथ भाई देखो यार मैंने अपने गेम में बस स्टैंड को भी ऐड कर लिया है, तो आप लोग अपने गेम में इस बस स्टैंड को कैसे ऐड कर पाओगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के आगे बताने वाला हूं। बाकी अभी मैं आप लोग को स्विफ्ट कार का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस स्विफ्ट कार का चिट कोड है 8, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 8 चिट कोड एक्टिवेट करोगे तो आप लोग की गेम में स्विफ्ट कार स्पॉन हो जाएगी। और अभी आप लोग इस स्विफ्ट कार को देखो यार ये स्विफ्ट कार हमारे गेम में काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। बाकी अभी हम लोग इस स्विफ्ट कार के कलर को चेंज भी कर सकते हैं, तो देखो अभी मैं कैसे स्विफ्ट करके कलर को चेंज कर रहा हूं। अभी मैं आप लोग को ओमनी वन का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस ओमनी वन का चिट कोड है 7, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 7 चिट कोड एक्टिवेट करोगे तो आप लोग की गेम में ओमनी वन स्पॉन हो जाएगी। और गाइस हम लोग तो इसको ओमनी वन नहीं बोलते, हम लोग तो कुछ इसको और ही बोलते हैं, तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी अभी हमारा नेक्स्ट चिट कोड है ऑटो रिक्शा का, तो ऑटो रिक्शा का चिट कोड है 8370। तो गाइस 8370 डायल करने पर आपकी गेम में ऑटो रिक्शा स्पॉन हो जाएगा। बाकी अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है निसान जीटीआर कार का, तो गाइस निसान जीटीआर कार का चिट कोड है 3005, आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 3005 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में निसान जीटीआर कार स्पॉन हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं आप लोग को फटाफट से बोट का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस बोट का चिट कोड है 3001, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 3001 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बोट स्पॉन हो जाएगी। बाकी अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है थार का, तो गाइस थार का चिट कोड है 9191, तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 9191 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में थार स्पॉन हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं आप लोग को फटाफट से जेसीबी का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस जेसीबी का चिट कोड है 6677, तो गाइस आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 6677 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में जेसीबी स्पॉन हो जाएगा। और अभी आप लोग जेसीबी को देख ही सकते हो, ये जेसीबी हमारी गेम में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। बाकी अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है हमर कार का, तो गाइस हमर कार का चिट कोड है 3880, तो आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 3880 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में हमर कार स्पॉन हो जाएगी। बाकी अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है बोलेरो कार का, तो गाइस बोलेरो कार का चिट कोड है 3100, आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 3100 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बोलेरो कार स्पॉन हो जाएगा। बोलेरो कार के बाद अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है जेटपैक का, तो गाइस जेटपैक का चिट कोड है 320, आप लोग जैसे अपने फोन में 320 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बिग वाला जेटपैक स्पॉन हो जाएगा। तो हमारी गेम में ना दो जेटपैक है, ठीक है। तो अभी मैं आपको मिनी वाला जेटपैक का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस मिनी जेटपैक का चिट कोड है 330, आप लोग जैसे अपने फोन में 330 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में मिनी वाला जेटपैक स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस अभी तो यहां पर मैंने आपको इन दोनों जेटपैक के चिट कोड बता दिए हैं, हमारी गेम में बिग जेटपैक और मिनी जेटपैक ऐड हुआ है। बाकी अभी मैं आप लोग को फटाफट से सुपर कार का चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस सुपर कार का चिट कोड है 2244, आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 2244 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में सुपर कार स्पॉन हो जाएगी। सुपर कार के बाद अभी मेरे नेक्स्ट सुपर कार है मस्टिंग जीटी कार, तो गाइस मस्टिंग जीटी कार का चिट कोड है 8123, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 8123 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में मस्टिंग जीटी कार स्पॉन हो जाएगी। मस्टिंग जीटी कार के बाद अभी मेरे नेक्स्ट सुपर कार है फरारी कार, फरारी कार का चिट कोड है 8811, आप लोग जैसे अपने फोन में 8811 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में फरारी कार स्पॉन हो जाएगी। फरारी कार के बाद अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है सुपर स्प्लेंडर बाइक का, तो गाइस सुपर स्प्लेंडर बाइक का चिट कोड है 6021, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 6021 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में सुपर स्प्लेंडर बाइक स्पॉन हो जाएगी। सुपर स्प्लेंडर बाइक के बाद अभी मेरा नेक्स्ट चिट कोड है आर्मी टैंक का, तो गाइस आर्मी टैंक का चिट कोड है 4040, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4040 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में आर्मी टैंक स्पॉन हो जाएगा। आर्मी टैंक के बाद अभी मेरा अगला चिट कोड है इंडोवेयर कार का, तो गाइस इंडोवेयर कार का चिट कोड है 2020, तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 2020 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में इंडोवेयर कार स्पॉन हो जाएगी। इंडोवेयर कार के बाद अभी मैं आप लोग को फटाफट से ट्रक का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस ट्रक का चिट कोड है 1212, आप लोग जैसे अपने फोन में 1212 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में ट्रक स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग को भी ट्रक के ट्रॉली स्पॉन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहां पर 01212 चिट कोड डायल करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग अपने फोन में 01212 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में ट्रक की ट्रॉली स्पॉन हो जाएगी। ट्रक की ट्रॉली के बाद अभी हमारा अगला चिट कोड है फायर इंजन का, तो गाइस फायर इंजन का चिट कोड है 606, आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 606 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में फायर इंजन स्पॉन हो जाएगा। फायर इंजन के बाद अभी मैं आप लोग को फटाफट से लेजेंडरी कार का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस लेजेंडरी कार का चिट कोड है 1001, आप लोग जैसे अपने फोन में 1001 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में लेजेंडरी कार स्पॉन हो जाएगी। लेजेंडरी कार के बाद अभी हमारी नेक्स्ट कार है टार्जन कार, तो गाइस टार्जन कार का चिट कोड है 300, तो
3000 आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर डायल करोगे तो आप लोग की गेम में टार्जन कार स्पॉन हो जाएगी। टार्जन कार के बाद अभी हमारे नेक्स्ट बाइक है पच बाइक, तो कैसे पच बाइक का चीट कोड है 4050। आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 4050 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में पच बाइक स्पॉन हो जाएगी। पच बाइक के बाद अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड है पोर्ची कार का, तो कैसे पोर्ची कार का चीट कोड है 4000। तो कैसे आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4000 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में पोर्ची कार स्पॉन हो जाएगी। पोर्ची कार के बाद अभी हमारे नेक्स्ट बाइक है यामाहा वीमैक्स बाइक, तो कैसे यामाहा वीमैक्स बाइक का चीट कोड है 999। तो कैसे आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 999 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में यामाहा वीमैक्स बाइक स्पॉन हो जाएगी। यामाहा वीमैक्स के बाद अभी हमारे नेक्स्ट बाइक है डुगाटी डेविल बाइक, तो कैसे डुगाटी डेविल बाइक का चीट कोड है 777। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 777 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग गेम में डुगाटी डेविल बाइक स्पॉन हो जाएगी। डुगाटी डेविल बाइक के बाद अभी हमारे नेक्स्ट बाइक है बनेली टेंट बाइक, तो कैसे बनेली टेंट बाइक का चीट कोड है 666। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 666 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बनेली टेंट बाइक स्पॉन हो जाएगी। बनेली टेंट बाइक के बाद अभी हमारे नेक्स्ट चीट कोड है स्कॉर्पियो क्लासिक का, तो कैसे स्कॉर्पियो क्लासिक का चीट कोड है 333। तो कैसे आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 333 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में स्कॉर्पियो क्लासिक स्पॉन हो जाएगा। बाकी अभी मैं आप लोग को फटाफट से स्कॉर्पियो S11 का भी चीट कोड बता देता हूँ, जो इसी स्कॉर्पियो का दूसरा मॉडल है। तो स्कॉर्पियो S11 कार का चीट कोड है 444। आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 444 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में स्कॉर्पियो S11 कार स्पॉन हो जाएगी। बाकी अभी मैं आप लोग को फटाफट से प्लेन का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो प्लेन का चीट कोड है 555। आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 555 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में मिनी प्लेन स्पॉन हो जाएगा। मिनी प्लेन के बाद अभी हमारा अगला चीट कोड है फॉर्च्यूनर कार का, तो फॉर्च्यूनर कार का चीट कोड है 1000। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 1000 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में फॉर्च्यूनर कार स्पॉन हो जाएगी। फॉर्च्यूनर कार के बाद अभी हमारी अगली कार है रोल्स रॉयस कार, तो रोल्स रॉयस कार का चीट कोड है 2000। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 2000 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में रोल्स रॉयस कार स्पॉन हो जाएगी। रोल्स रॉयस कार के बाद अभी हमारा अगला चीट कोड है ट्रॉन बाइक का, तो ट्रॉन बाइक का चीट कोड है 6000। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 6000 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में ट्रॉन बाइक स्पॉन हो जाएगी। ट्रॉन बाइक के बाद अभी हमारी नेक्स्ट बाइक है जेड एक्सटेनर बाइक, तो जेड एक्सटेनर बाइक का चीट कोड है 400। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 400 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में जेड एक्सटेनर बाइक स्पॉन हो जाएगी। जेड एक्सटेनर बाइक के बाद अभी हमारी नेक्स्ट चीट कोड है साइकिल का, तो साइकिल का चीट कोड है 4x1। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x1 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में साइकिल स्पॉन हो जाएगी। साइकिल के बाद अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड है डुक बाइक का, तो डुक बाइक का चीट कोड है 4x8। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x8 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में डुक बाइक स्पॉन हो जाएगी। अभी मेरा नेक्स्ट चीट कोड भी डुक बाइक का ही है, जो इसी डुक बाइक का दूसरा मॉडल है। तो डुक 200 बाइक का चीट कोड है 4x7। तो आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 4x7 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में डुक बाइक का दूसरा मॉडल स्पॉन हो जाएगा, जो है डुक 200। डुक 200 बाइक के बाद अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड है रेंज रोवर कार का, तो रेंज रोवर कार का चीट कोड है 4x6। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x6 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में रेंज रोवर कार स्पॉन हो जाएगी। लेकिन पता नहीं यार ये रेंज रोवर कार इतनी जंप क्यों होती है, इसको हम जब भी स्पॉन करते हैं तो काफी ज्यादा ये जंप करती है। लेकिन कोई ना, अभी मैं आपको फटाफट से घोस्ट राइडर बाइक का भी चीट कोड बता देता हूँ। और घोस्ट राइडर बाइक का चीट कोड यार थोड़ा दूर जाके यार बताना पड़ेगा, नहीं तो ये घोस्ट राइडर बाइक इन सबको जला डालेगी। तो गाइस घोस्ट राइडर बाइक का चीट कोड है 4x5। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x5 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में घोस्ट राइडर बाइक स्पॉन हो जाएगी। घोस्ट राइडर बाइक के बाद अभी मेरा अगला चीट कोड है बुगाटी V2 कार का, तो बुगाटी V2 कार का चीट कोड है 800। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 800 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बुगाटी V2 कार स्पॉन हो जाएगी। बुगाटी V2 कार के बाद अभी हमारी नेक्स्ट कार है कोइनेस कार, कोइनेस कार का चीट कोड है 900। तो कैसे आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 900 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में कोइनेस कार स्पॉन हो जाएगी। कोइनेस कार के बाद अभी हमारी अगली कार है ओडी कार, ठीक है। तो कैसे ओडी कार का चीट कोड है 500। आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 500 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में ओडी कार स्पॉन हो जाएगी। ओडी कार के बाद अभी हमारी नेक्स्ट कार है लंबरगिनी कार, तो लंबरगिनी कार का चीट कोड है 4x3। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x3 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में लंबरगिनी कार स्पॉन हो जाएगी। लंबरगिनी कार के बाद अभी हमारी नेक्स्ट कार है लंबरगिनी V2 कार, जो इसी लंबरगिनी कार का दूसरा मॉडल है। तो लंबरगिनी V2 कार का चीट कोड है 700। तो आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 700 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में लंबरगिनी V2 कार स्पॉन हो जाएगी। लंबरगिनी V2 कार के बाद अभी हमारा नेक्स्ट चीट कोड है यामाहा R15 बाइक का, यामाहा R15 बाइक का चीट कोड है 0015। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 0015 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में यामाहा R15 बाइक स्पॉन हो जाएगी। यामाहा R15 बाइक के बाद अभी हमारी नेक्स्ट बाइक है, सॉरी बाइक तो नहीं है, स्कूटर है। तो कैसे स्कूटर का नाम है हीरो प्लेजर, और हीरो प्लेजर स्कूटर का चीट कोड है 4x0। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x0 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में हीरो प्लेजर स्कूटर स्पॉन हो जाएगा। हीरो प्लेजर स्कूटर के बाद अभी हमारी अगली बाइक है निंजा एस्टोर बाइक, तो निंजा एस्टोर बाइक का चीट कोड है 3000। तो आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 3000 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में निंजा एस्टोर बाइक स्पॉन हो जाएगी। निंजा एस्टोर बाइक के बाद अभी हमारी अगली बाइक है पल्सर R200 बाइक, पल्सर R200 बाइक का चीट कोड है 5000। तो 5000 पर आपकी गेम में पल्सर R200 बाइक स्पॉन हो जाएगी। पल्सर R200 बाइक के बाद अभी हमारी नेक्स्ट बाइक है हायाबुसा बाइक, हायाबुसा बाइक का चीट कोड है 7000, यानी कि 7000। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 7000 चीट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में हायाबुसा बाइक स्पॉन हो जाएगी।
हायाबुसा बाइक के बाद अभी मैं आपको फटाफट से हेलीकॉप्टर का भी चिट कोड बता देता हूँ। तो कैसे हेलीकॉप्टर का चिट कोड है 8000। तो कैसे आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 8000 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के बाद अभी हमारा नेक्स्ट चिट कोड है स्प्लेंडर बाइक का। तो स्प्लेंडर बाइक का चिट कोड है 9000। तो कैसे आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 9000 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम स्प्लेंडर बाइक स्पॉन हो जाएगी। स्प्लेंडर बाइक के बाद अभी हमारा नेक्स्ट चिट कोड है मॉडिफाइड थार का। तो मॉडिफाइड थार का चिट कोड है 9090। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 9090 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में मॉडिफाइड थार स्पॉन हो जाएगी। मॉडिफाइड थार के बाद अभी हमारे नेक्स्ट चिट कोड है बुलेट बाइक का। तो बुलेट बाइक का चिट कोड है 4x9। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4x9 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बुलेट बाइक स्पॉन हो जाएगी। बुलेट बाइक के बाद अभी हमारी नेक्स्ट बाइक है एटीवी बाइक। तो एटीवी बाइक का चिट कोड है 4x2। 4x2 पर आपकी गेम में एटीवी बाइक स्पॉन हो जाएगी। एटीवी बाइक के बाद अभी मैं आपको फटाफट से न्यू केटीएम का भी चिट कोड बता देता हूं। तो न्यू केटीएम का चिट कोड है 1190। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 1190 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में न्यू केटीएम बाइक स्पॉन हो जाएगी। केटीएम बाइक के बाद अभी मेरी नेक्स्ट बाइक है डुक बाइक, जो डुक बाइक का तीसरा मॉडल है शायद। तो डुक बाइक का चिट कोड है 4215। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 4215 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में डुक बाइक स्पॉन हो जाएगी। डुक बाइक के बाद अभी मेरी नेक्स्ट बाइक है केटीएम बाइक, जो इसी केटीएम बाइक का दूसरा मॉडल है। तो इस केटीएम बाइक के दूसरे मॉडल का चिट कोड है 1210। आप लोग की गेम में 1210 पर केटीएम बाइक का दूसरा मॉडल स्पॉन हो जाएगा। बाकी अभी मैं आपको फटाफट से पल्सर बाइक का भी चिट कोड बता देता हूँ। तो इस पल्सर बाइक का चिट कोड है 1211। आप लोग जैसे अपने फोन के अंदर 1211 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में पल्सर बाइक स्पॉन हो जाएगी। और ये लास्ट बाइक थी। तो सभी तो मैंने आप लोग को इंडियन बैकग्राउंड थ्री डी गेम के अंदर जितने भी व्हीकल है ना, वही सभी के सभी व्हीकल का मैंने आपको अभी चिट कोड बता दिया है। इनमें से कोई भी चिट कोड नंबर अभी बाकी नहीं रहता है। और अगर आपको लगता है कि मेरे से ये चिट कोड मिस हुआ है या फिर इस व्हीकल का चिट कोड मेरे से मिस हुआ है तो उस व्हीकल का नेम आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि हम लोग उस चिट कोड को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर सके। अभी मैंने आप लोग को इंडियन बैकग्राउंड थ्री डी गेम के ऑल व्हीकल के तो चिट कोड बता दिए हैं। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोग को फटाफट से इंडियन बैकग्राउंड थ्री डी गेम के ऑल एनिमल के भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले तो यहां पर मैं आप लोग को प्लगइन ऐप के थ्रू जो एनिमल हमारे गेम में ऐड हुआ है ना, उनके चिट कोड मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले तो यहां पर मैं आप लोग को मॉन्स्टर मैन का चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस मॉन्स्टर मैन का चिट कोड है 3। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 3 चिट कोड एक्टिवेट कराओगे तो आप लोग की गेम में मॉन्स्टर मैन स्पॉन हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग इस मॉन्स्टर मैन को स्पॉन करोगे ना, तो ये मॉन्स्टर मैन यार एकदम सीधी दिशा में भागने लग जाएगा। पता नहीं इसको कहां की जल्दी है, मतलब इसको कहां पर जाना है यार। और देखो मैंने इसको एक बार फायर करके इसको किल भी कर दिया है, तो आप लोग फायर करके इसको मार भी सकते हो। बाकी अभी मैं आप लोग को फटाफट से मॉन्स्टर स्नेक का भी चिट कोड बता देता हूं। तो जैसे आप लोग डायलर के अंदर 4 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में मॉन्स्टर स्नेक स्पॉन हो जाएगा। बाकी अभी मेरा अगला चिट कोड है मॉन्स्टर ईगल का। तो गाइस मॉन्स्टर ईगल का चिट कोड है 5। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 5 चिट कोड एक्टिवेट करोगे तो आप लोग की गेम में मॉन्स्टर ईगल स्पॉन हो जाएगा। बाकी अभी मैं आप लोग को फटाफट से एलिफेंट का भी चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस एलिफेंट का चिट कोड है 6। आप लोग जैसे अपने डायलर के अंदर 6 चिट कोड एक्टिवेट करोगे तो आप लोग की गेम में एलिफेंट स्पॉन हो जाएगा। एलिफेंट के बाद अभी मैं आपको फटाफट से बफेलो का भी चिट कोड बता देता हूं। वैसे मैंने आपको आगे भी बता दिया था, लेकिन मैं आपको फिर भी बफेलो का चिट कोड बता देता हूं। तो गाइस बफेलो का चिट कोड है 10। यानी कि आप लोग जैसे डायलर के अंदर 10 चिट कोड डायल करोगे तो आप लोग की गेम में बफेलो स्पॉन हो जाएगा। अभी तो मैंने आप लोग को इंडियन बैकग्राउंड थ्री डी गेम के ओल्ड से लेकर न्यू तक सारे के सारे चिट कोड नंबर भी बता दिए हैं। और उसके अलावा हमारी गेम में अभी तक जितने भी एनिमल ऐड हुए हैं ना, उन सभी एनिमल के भी चिट कोड बता दिए हैं। बाकी अभी मैं आप लोग को ट्रैक्टर के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज बता देता हूं। गुड न्यूज ये है कि आप सभी लोग यार कितने दिनों से ट्रैक्टर के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे ना कि भाई हमारे गेम में ट्रैक्टर को ऐड करा दो, ट्रैक्टर को ऐड करा दो। तो रोहित सर ने फाइनली हमें ट्रैक्टर के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दे दी है। तो गाइस गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर हमें इसी बार के न्यू अपडेट के अंदर 100% ट्रैक्टर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस आपने सही सुना। और गाइस ट्रैक्टर का 3D मॉडल रेडी होने ही वाला है। तो जैसे ही ट्रैक्टर का 3D मॉडल रेडी हो जाएगा तो उसके बाद रोहित सर हमारी गेम में ट्रैक्टर को ऐड कर देंगे। और उसके बाद रोहित सर यहाँ पर हमें ट्रैक्टर का चिट कोड नंबर और गेम प्ले वीडियो भी सेंड कर देंगे। और गाइस आप लोग ये भी काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे गेम में कौन सा मॉडल ऐड होने वाला है ट्रैक्टर का, तो मैं आप लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि गाइस आप लोग स्वराज ट्रैक्टर के लिए काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें इस बार के न्यू अपडेट के अंदर स्वराज का न्यू ट्रैक्टर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस आपने सही सुना। और मुझे यहाँ पर जैसे स्वराज के ट्रैक्टर के पीप वगैरह और गेम प्ले वीडियो मिलते हैं तो भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो गाइस अगर आप लोग सबसे पहले ट्रैक्टर का चिट कोड नंबर जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखोगे तो आप लोग को ट्रैक्टर का चिट कोड नंबर सबसे पहले पता चल पाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। बाकी तो गाइस बस आज के वीडियो के अंदर इतना है। बस आप लोग को इंडियन बैकग्राउंड गेम के ओल्ड से लेकर न्यू तक सारे सारे चिट कोड नंबर बताने थे और उसके अलावा ट्रैक्टर के रिगार्डिंग गुड न्यूज बताने थे। तो गाइस वो तो मैंने आपको बता दी। सो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो से प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग को आगे भी ऐसे इंडियन बैकग्राउंड गेम के न्यू अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। बाकी तो गाइस बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं ऐसे और मजेदार वीडियो के साथ।